मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। आइए जानते हैं 16 और 17 अगस्त को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश होगी और कहां पर अभी बारिश के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश में कहां पर तापमान ज़्यादा बना हुआ है और कहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन अब गर्मी का एहसास भी लोगों को होने लगा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में लोगों में गर्मी महसूस हो रही है, उमस और गर्मी का एहसास हो रहा है, तापमान बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि अभी अधिकतर ज़िलों में तापमान 30 डिग्री के ऊपर ही चल रहा है, जिससे गर्मी का माहौल है। आप जानते हैं कि कहाँ पर बारिश होगी, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोई भी वेदर सिस्टम फिलहाल एक्टिव नहीं है, इस वजह से प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बन गया है और मॉनसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में है, और इसके प्रभाव से सोमवार से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। तो यानी कि कल शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि 3 दिन बाद यानी कि बुधवार से भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर संभाग के जिलों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी थमी हुई बारिश यहां पर फिर से जोर पकड़ेगी। राजधानी सहित कुछ जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, चंबल, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश भी दर्ज की गई और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश अच्छी खासी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि बीते 24 घंटे में कहां कहां पर बारिश हुई। तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, संभल, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई। पचमढ़ी में 5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबलपुर में भी 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी पड़ी हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, इसका असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 3 दिन बाद ही बारिश होने के आसार हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जो है वो 18 अगस्त को कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है, और इसके चलते भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद संभाग के जिलों में काफी अच्छी बरसात होगी। चलिए जानते हैं मौसम विभाग का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों से प्रदेश में अच्छी धूप खिल रही है। शनिवार की सुबह भी राजधानी समेत कई जिलों में धूप निकली। मौसम विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल के तराई के इलाकों में जाने के कारण प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। इसके कारण आने वाले 5 दिनों तक हल्की धूप पूरे प्रदेश में खिलेगी। हालांकि शाम और रात में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है, इसके चलते आसमान साफ रहेगा। रात शाम में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो मानसून का असली असर है वो 17 अगस्त के बाद से प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 अगस्त के बाद एक बार फिर मानसून प्रदेश में लौट रहा है, और इसके चलते 17 अगस्त के बाद एक सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ गुना, अशोकनगर के जिलों में बाढ़ आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात बन गए थे। काफ़ी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर हल्की राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में इन ज़िलेवासियों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश आती है तो फिर से हालात बिगड़। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।